नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा बिहार। दरभंगा जिले के नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत लाल बाग में स्थित पंसारी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल में पानी मिलाकर धोखाधड़ी से बेचने का मामला सामने आया है। जी हां, दरभंगा शहर के प्रसिद्ध पेट्रोल पंप पंसारी पेट्रोल पंप पर फिर से धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज हुआ है। आपको बताते चले, आए दिन दरभंगा के पंसारी पेट्रोल पंप को लेकर ग्राहक शिकायत करते ही रहते हैं। बावजूद इसके यह मामला थाने तक नहीं पहुंच पाता था, लेकिन अब यह ताजा मामला बीते दिन का है, जब मोहम्मद अनवारुल हक नामक व्यक्ति, जो कि कैदराबाद के निवासी है, जब वह फोर व्हीलर से पंसारी पेट्रोल पंप पर 7 तारीख के रात तकरीबन 9:30 बजे गाड़ी में पेट्रोल भरवाने पहुंचे और लगभग उन्होंने पेट्रोल पंप से 30 लीटर से अधिक तेल भरवाया, जिसका उन्होंने 3,401 रुपया पेट्रोल के दाम के रूप में भुगतान भी किया। फिर वह अपने आवास कैदराबाद की ओर बढ़ने लगे, लेकिन भंडार चौक आते आते उनके फोर व्हीलर का ब्रेक डाउन हो गया और इंजन से गड़बड़ी की आवाज आकर इंजन उसी समय बंद हो गया। फिर वह कई बार स्टार्ट करने की कोशिश करते रहे, लेकिन गाड़ी स्टार्ट न हो पाया। फिर उन्होंने जैसे तैसे गाड़ी को धक्का लगवाकर अपने आवास पर ले आए। फिर अगले ही दिन उन्होंने फोर व्हीलर कंपनी से संपर्क किया, फिर एजेंसी टो वैन भेजकर इस गाड़ी को मुजफ्फरपुर एजेंसी ले गया। तब जब वहां गाड़ी का जांच पड़ताल किया गया तो पता चला कि गाड़ी में कोई भी तकनीकी खराबी नहीं है, बल्कि फ्यूल टैंक में पेट्रोल के साथ पानी मिक्स है, इसी कारण गाड़ी सही ढंग से चल नहीं पा रहा है। इधर मोहम्मद अनवारुल हक नगर थाना में पेट्रोल पंप पर धोखाधड़ी का आरोप लगाकर शिकायत दर्ज करवाया है, लेकिन ठीक इसके विपरीत पेट्रोल पंप मालिक अपने गलती को मानते हुए कहा है कि यह भूल चूक से हुआ गलती है, जिसके लिए हम शिकायतकर्ता को मुआवजा देने के लिए तैयार है। देखिए क्या है पूरा मामला। घटना घटी आपके साथ? मेरे साथ गाड़ी में पेट्रोल के संबंध में जी, मैंने 7 तारीख को 9:30 बजे के आसपास पंसारी पेट्रोल पंप लालबाग में मैंने वहां पे अपने गाड़ी टोयोटा गलंजा में टैंक फुल करवाया पेट्रोल की रसीद ली, मैंने ऑनलाइन भुगतान किया। वहां से मैंने अपने घर कैदराबाद के लिए निकले, लगभग 1 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद कठलवारी भंडार चौक पे मेरी गाड़ी बंद हो गई। काफ़ी प्रयास करने के बाद गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, इंजन में साइन दे दिया गाड़ी का इंजन प्रॉब्लम का, तो मैंने गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हुई और स्टार्ट फिर से कोशिश भी नहीं की। फिर मैंने कुछ एक दो आदमी को बुला करके गाड़ी को धक्का लगा करके अपने घर पे कैदराबाद लगा दिया। 12 बजे के आसपास घर पे पहुँचे, लेट होने के वजह से मैंने किसी को फ़ोन भी नहीं किया एजेंसी में। सुबह मैंने 10 बजे 11 बजे के आसपास एजेंसी से कांटेक्ट किए, तो उन्होंने गाड़ी टो करने वाली किरान भेज करके मेरी गाड़ी को मुजफ्फरपुर रुद्रा टोयोटा एजेंसी में ले जाया गया 8 तारीख को, और वहाँ से हमको आज का समय मिला 10 तारीख का, जो 11 बजे आप आइए। आज हमने गया रुद्रा टोयोटा एजेंसी में, मेरे सामने चेक हुआ, इंजन में कोई ख़राबी नहीं निकली, वो तेल का प्रॉब्लम बताया गया, जो टैंक में पानी मिक्स किया हुआ है और पूरा टैंक ड्राई करने के बाद 75% के आसपास पानी ही निकला, जो सारा टैंकी ड्राई करने के बाद हमको फिर वापस दे भी दिया गया और उन्होंने एक रसीद भी दी, जो पेट्रोल में पानी मिक्सिंग के वजह से इस तरह का प्रॉब्लम आया। आपका पंसारी पेट्रोल पंप चल रही है, इस पंप से स्पीड तेल में पानी तेल मिक्स करके किसी गाड़ी में गया है, जिसकी FIR नगर थाना में हुई है, उस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि मैं उस दिन बारिश के हिसाब हो रही थी और उसी दिन वो स्पीड पेट्रोल मेरे पंप पे आया था। पेट्रोल में कभी पानी मिक्स नहीं होता, पानी का टेंडेंसी होता, अगर एक बूंद भी पेट्रोल में पानी जाएगा तो वो टंकी में नीचे में जा करके बैठ जाएगा। तो वो लगता है कि उस दिन एक कस्टमर का कंप्लेन आया था मेरे पास में शुक्रवार, वो बृहस्पतिवार को मेरे यहाँ से शायद तेल लिए थे रात में और उनके गाड़ी में ऐसा कंप्लेन आया था, तो हम लोग तुरंत उसको शुक्रवार को जब चेक किए तो हम लोग को भी पेट्रोल के टंकी में कुछ पानी का अंश नज़र आया। तो उन कस्टमर को हम लोगों ने कहा कि हाँ ऐसा हुआ है,
और ये जो है चूंकि पेट्रोल में पानी मिक्स नहीं हो सकता, इससे अमीर लोगों की बदनामी, चूंकि पेट्रोल से गाड़ी भी नहीं चल सकती है, इसलिए वो मिक्स का कोई प्रश्न नहीं है, ये भूल चूक से हुआ है। और एक ही उन्हीं के गाड़ी में संजोग से ऐसा हुआ कि कुछ पानी का जो अंश था उनके गाड़ी में चला गया। तो एक स्कूटी में भी बात हुई है, स्कूटी वाले भी बयान दिया कि हमारे स्कूटी में बिस्तर हुआ कि मेरा हो सकता है इंजन सीज कर गया। हो सकता है, पानी से कभी इंजन सीज नहीं हो सकता, क्योंकि पानी एक ऐसा चीज है कि पानी से गाड़ी नहीं चल सकती। पानी का अंश जो ही कोई चीज में जाएगा गाड़ी बंद हो जाएगी। उसका तो सिस्टम यही है कि उस पानी के अंश को हम लोग साफ करवा देते हैं और फिर से नया अगर डाल देते हैं तो गाड़ी में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप एक्सेप्ट करते हैं जो भूल हुई है? हाँ, भूल नहीं, मेरे से भूल नहीं हुई, वो टंकी में पानी का अंश था, चूंकि उस दिन बेहिसाब बारिश हुई थी तो उस टंकी में पानी का अंश था, ये हम लोगों ने प्रिजर्व किया दूसरे दिन। उसके अलावा भी और कस्टमर के गाड़ी में पानी नहीं, 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 वो स्पीड पेट्रोल हम लोग मेरे यहाँ बहुत नहीं के बराबर दिखता है। और ये बात हम लोगों ने कंपनी को भी के नज़र में दिया है, कंपनी का आदमी आकर के उस पानी के अंश को वो निकालेगा, साफ करेगा, उसके बाद वो टंकी चालू होगा, उसी दिन से वो पेट्रोल स्पीड का टंकी बंद होगा। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अनिल पंसारी हुआ, पंसारी ऑटो सर्विस। कौन पंप है? पंसारी ऑटो सर्विस। कहाँ पर है? लालबाग दरभंगा।